हम लोग डिस्कस कर रहे थे वेस्ट इंडीज़ और पापुआ न्यू गिनी के दरमियान जो कल मैच खेला गया, एंड यू नो हाउ वेस्ट इंडीज़ के कैंप में हमने नर्व्स देख लिए थे जब वो 97/5 थे. एंड सिकू, आई मीन गुड थिंग इज़ कि ये जो फॉर्मेट है ये T20, ये बड़ी स्मॉल टीम्स को चांस दे रहा है बड़ी टीम्स को थोड़ा धचका देने के लिए. तो यू नो इट्स नाइस टू सी देम ऑल परफॉर्मिंग. तो अब ये बात तो तय होगी ना कि कोई मैच इतना हल्का नहीं होगा. बात असल ये है कि सारी टीमें खेलती हैं. आज मैं जैसे वीज़ा को देख रहा था, वीज़ा नामीबिया से खेलते हैं, वो ताकत से ले गए वो. तो ये सारी टीमें खेल रही, मगर बड़ी टीम बड़ी होती है, उसमें टेम्परामेंट होता है, उनके लड़के ज़्यादा खेले हुए होते हैं. मैं जो नोट कर रहा हूँ ना, वो एक चीज़ नोट की है. नंबर वन ये कि सब ने टॉस जीत के फील्डिंग की है. जितनी अभी 3-4 मैच में, 3 मैचों को तो मैंने नोट कर लिया कि जो अमेरिका वगैरह का मैच हुआ तो उसमें भी फील्डिंग की, वेस्ट इंडीज़ ने भी फील्डिंग की, नामीबिया ने भी फील्डिंग की, ये तीनों मैच जीते हैं फील्डिंग करके. नंबर वन. नंबर टू, पिच देख रहा हूँ मैं कि पिच का बिहेवियर क्या. अमेरिका की पिच का तो हमने बता दिया था कि इट वॉज अ ट्रू बैटिंग ट्रैक, ठीक है, मगर ये जो वेस्ट इंडीज़ की पिच है उसमें गेंद फंस रहा है. हम उसको कहते हैं गेंद को फंसना, को फंस तो बल्ले पर वो इस तरह सीधा मतलब फ्लो के अंदर नहीं आता. यू हैव टू ग्राफ्ट इट. आप अच्छा जो बैट्समैन होगा, जो उसके फुटवर्क होगा, वो उसको ऊपर रन्स बनाएगा. तो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. मगर वेस्ट इंडीज़ में मैं फिर कह रहा हूँ, उस वक्त पहले भी कहा था, यू नीड टू हैव गुड स्पिनर्स. अब देखते हैं कि पाकिस्तान की क्या चॉइस होती है. अच्छा ठीक है, एवरीथिंग कम्स डाउन टू पाकिस्तान. बट द गुड थिंग इज, चले हम दूसरे मैच पे भी आप नज़र डालते हैं. नामीबिया एंड ओमान के दरमियान जो खेला गया, यू नो नामीबिया रियली हेल्ड देयर नर्व्स. और किस तरह मैच सुपर ओवर में चला, इट वाज अ थ्रिलर. अर्लियर इन द मतलब अभी वर्ल्ड कप शुरू हुआ है एंड वी सी अ सुपर ओवर, इट वाज अ ग्रेट मैच. हर कोई बात कर रहा है, टेलर स्टनिंग परफॉर्मेंस बाय डेविड वीज़ा. आई मीन मुझे तो ये लग रहा है कि ये वर्ल्ड कप है अहमद, इट्स ऑल अबाउट ऑलराउंडर्स, यू नो दे आर गोइंग टू शाइन दिस टाइम. बट व्हाट अ मैच इट वाज. और हम लोग साथ साथ डेविड वीज़ा के भी बता रहे, डिड वेल विद द बैट, डिड वेल विद द बॉल, और स्कोर कार्ड भी हम साथ साथ ऑन द साइड दिखा रहे हैं. बट अहमद, या ओवर टू यू. जी देखिए, डेविड वीज़ा एक बहुत एक्सपीरियंस क्रिकेटर हैं, बड़े अच्छे से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं. और उसके बाद हमने इनको डिफरेंट लीग्स में देख रहे हैं, फिर PSL में लाहौर कलंदर, लाहौर इन्होंने बहुत एक दो सीजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल, ना सिर्फ अपनी बैटिंग बॉलिंग के साथ, क्योंकि सीनियर प्लेयर हैं, अंदर कैप्टन को भी बहुत हेल्प करते हैं. कल हमने देखा जिस तरह उन्होंने अपनी नर्व्स को हेल्प किया है. एक्सपीरियंस प्लेयर का यही एक फायदा होता है टीम के अंदर, और उन्होंने सारी मुश्किल चीजें की हैं. अगर आप देखें जब पूरा मैच भी हुआ, ट्रंप फसलमैन ने सेट द टोन, पहले दो बॉलों पर जब दो बॉल किए उसने दो विकेटें मिली हैं, आउटस्टैंडिंग बॉल थे, लेट अंदर आए, और जो ओमान के बैट्समैन थे मेरे ख्याल से उसके लिए प्रिपेयर नहीं थे कि इनका बॉल इस तरह अंदर आएगा. दोनों बॉल पैडों पे खा के बैट उनके पीछे थे, थोड़ा सा जिसे कहते हैं आप टेक्निक में थोड़ा उनकी ऑल्टर होने वाला था. बट यू एक्सपेक्ट के ओमान है थोड़ी वीकर साइड है, आई डोंट नो के यू नो वो कौन है उनका बैटिंग कोच, बट थोड़ा लगा कि वो प्रिपेयर नहीं थे. एट द सेम टाइम ओमान ने जैसी बैटिंग की उसके बाद नामीबिया ने बड़ी जबरदस्त जो टोन सेट करके उसके बाद जो उन्होंने बैटिंग किया है थोड़ा डिसअपॉइंट किया. आई थिंक नामीबिया में बेटर प्लेयर हैं, और जिस तरह 109 का टारगेट बड़ा जबरदस्त बार्बाडोस का पिच था, बॉल कैरी हो रहा था, स्विंग हो रहा था, ऐसे पिचेस पे होता ही है कि थ्रू द लाइन लगते हैं, लेकिन जो उन्होंने चेस किया उसका थोड़ा सा यू नो वो खुद भी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग होंगे. लेकिन उसके बाद अगेन सुपर ओवर में एक थ्रिलर हुआ, और वहां पे डेविड वीज़ा ने विद द बॉल विद द बैट जो वो एक छक्का लगाया बैट के साथ वो बड़ा जबरदस्त हो गया. उसके बाद बॉल में जो उन्होंने यू नो यॉर्कर्स एग्जीक्यूट किए, मैच उन्होंने एक साइड पे कर दिया, इट शोज के उनमें हंगरनेस थी, विलिंगनेस थी. वो नॉर्मली अगर आप ओमान की साइड देखें जिस तरह वो 109 स्कोर पे आउट हो गए, नॉर्मली ऐसे मैच को खेलना बड़ा बोरिंग हो जाता है एज अ टीम भी एज अ प्लेयर भी. अच्छी टीमें क्या करती हैं, वो जान मारती हैं, वो बिलीव रखती हैं, वो छोड़ती नहीं है. तो एक जो क्रेडिट जाता है ओमान की साइड में कि उन्होंने 109 जैसे टारगेट को भी अगर वो सुपर ओवर में लेके आए हैं तो उनकी बॉलिंग साइड ने, उनकी फील्डिंग साइड ने, इवन दो उनकी कैप्टनसी बड़ी जबरदस्त तरीके से उन्होंने अपने बॉलर्स को जो भी उनके पास मिनिमम रिसोर्सेज थे उनको यूटिलाइज किया, और इन द एंड ऑफ द डे एक शाइकीने क्रिकेट को एक जबरदस्त मैच देने दिया. बटी साहब, आई थिंक बिल्कुल अहमद सही कह रहे हैं, उन्हें डिसिप्लिन दिखाया स्पेशली विद द स्पिनर्स. आई थिंक आकिब है, जीशान, दे रियली बोल्ड वेरी इन इट. सो इट वाज गुड टू सी अ फाइट बाय ओमान. अच्छी फाइट की है लोगों ने. देखिए ओमान के फातिमा जो कोच की बात कर रहे थे ना अहमद, तो दिलीप मेंडिस श्रीलंका के जो फॉर्मर कैप्टन हैं वो उनके काफ़ी अरसे से हेड कोच हैं. तो ओमान अगर आप देखें तो बहुत सारे जो दुनिया के इस वक्त मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स के टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें ये रेगुलर पार्टिसिपेट करते हैं. देखिए इन टीमों को हम लोग बहुत कम फॉलो करते हैं, लेकिन ICC को क्रेडिट जाता है कि पूरे साल ये जितने एसोसिएट मेंबर थे इनके लिए डिफरेंट टूर्नामेंट्स हो रहे होते हैं. इन प्लेयर्स के अगर आप रिकॉर्ड देख लें
किसी ने 40 वनडे खेले हुए, किसी ने 50 T20 खेले हुए, इसका मतलब है कि वो जो एक्सपीरियंस है वो अब काम आ रहा है। तो मेरे ख्याल में अगर इन टीमों के प्लेयर्स का जिस तरह हमें नज़र आ रहा है, रात हमने पापुआ न्यू गिनी को देखा, उसने जिस तरह वेस्ट इंडीज़ को फाइट दी, फिर अमेरिका की तरफ से कल 2-3 अच्छी परफॉर्मेंसेज आई, मेरे ख्याल में अगर जो बड़ी टीमें हैं वो भी थोड़े बड़े दिल का मुजाहरा करें, इन एसोसिएट कंट्रीज़ के साथ कुछ मैचेस खेले, इनको अगर एक्सपीरियंस, देखिए T20 वर्ल्ड कप तो 2 साल बाद हो, देखिए पाकिस्तान को ना कहिए गए थे ना, बाबरी ओपन कर रहे होंगे और रिजवान ओपन कर रहे होंगे। ओके, आई डोंट, व्हाट वाज द मतलब, एनीवे इट्स ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग इन दिस व्हेन, एनीवे लेट्स नॉट गो देयर, बट पूछ तो ले ना। नहीं, मैं पूछना नहीं चाहती क्योंकि मैंने याया के पास जाना है, बट याया आई थिंक जो यू नो सुपर ओवर पे लेके जाना मैच, आई थिंक आई रियली एंजॉयड इट, और आई थिंक डेविड वीज़ा एक ऐसे स्टार बन गए, लाइक पाकिस्तानियों के उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है बिकॉज ऑफ लॉर कलंदर्स, एंड वो यू नो नामीबिया को किसी ना किसी तरह ऊपर पहुँचा देते हैं, सो आई रियली वॉन्ट टू सी नामीबिया आगे जाए इस मरतबा। देखिए फातिमा, पहली दफ़ा डेविड वीज़ा नामीबिया के लिए नहीं खेल रहे, 2021 में भी ये खेले थे जब UAE में टूर्नामेंट मुनक्किद हुआ था। ये अच्छी बात है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इस बार 20 टीमों को रखा है, एसोसिएट मुल्कों की टीमों को रखा है, लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये छोटी टीमें कुछ पार्टी स्पॉइल करेंगी, ये छोटी टीमें कुछ बड़ी टीमों को टक्कर देंगी, तो इस टूर्नामेंट में ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब इस टूर्नामेंट के अगले मरहले में आप जाएंगे जो कि टोटली वेस्ट इंडीज़ में मुनक्किद होगा, वहाँ पर सारे टेस्ट स्टेटस रखने वाले मुल्क ही आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि ये जो छोटी टीमें हैं ये अपने टक्कर की टीमों के साथ मैच खेलेंगी, और जहाँ तक वेस्ट इंडीज़ और कल पापुआ न्यू गिनी का मैच, नहीं का, देखिए एक चीज़ अब क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका क्रिकेटिंग डिसिप्लिन, और आपको हर चीज़ में ये सोचना पड़ेगा कि जब आप ग्राउंड में जा रहे हैं तो आपने कैसे खेलना है। कल जो वेस्ट इंडीज़ ने सबसे बड़ी गलती की मेरे ख्याल में कि उन्होंने टॉस जीत के पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ बजाय बैटिंग करने के उन्होंने फील्डिंग को ऑप्ट किया, और आप देख रहे थे कि निकोलस पुरन जिन्होंने साल 2000 पिछले 12 महीनों में सबसे ज़्यादा छक्के मारे हैं, उनसे बॉल मेडल नहीं हो रहा था, और उनके ड्रेसिंग रूम में जो है वो आपको डैरन सैमी जैसा कोच दिखाई दे रहा है जो कि पिशावर जलमी के भी कोच हैं, और डैरन सैमी को वेस्ट इंडीज़ में कुछ ज़्यादा लाइक नहीं करते और उनको अब एज ए कोच लेकर आए हैं। देखिए जब आप ग्राउंड में जा रहे हैं आप बड़े प्लेयर नहीं हैं, जब आप ग्राउंड में खेलने के लिए जा रहे हैं टीम को उतार रहे हैं, फिर आपको सिचुएशन के हिसाब से खेलना पड़ेगा। जो कल उन्होंने पहली गलती की, ठीक है मैच को फिनिश किया एंड में आके आंद्रे रसल ने, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब जैसे पाकिस्तान और अमेरिका के मैच की डैलस में बात हो रही है, देखें अमेरिका के खिलाड़ी भले से उन्होंने 190 प्लस किए हैं, पाकिस्तान टीम को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। आरएस रऊफ जब नेट में बॉलिंग करेंगे वैसे ही उनको थरथली मच जाएगी, जब वो जा रहे होंगे आ रहे होंगे, उनका कोई मुकाबला नहीं है बाबर आजम के साथ, उनका कोई मुकाबला नहीं है हारिस रऊफ के साथ, शाहीन आफरीदी के साथ, तो बड़े प्लेयर जो है ना उनको देख के वैसे ही वो गिर जाएंगे। तो ये छोटी टीमें जो है ना बिट्स एंड पीसेज में तो परफॉर्मेंस कर देंगी, अच्छी बात है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की कि इन छोटी टीमों को उन्होंने रखा है, वो सीख के जाएंगे, उनके मुल्कों में बहुत ज्यादा क्रिकेट हो रही है। पाकिस्तान की भी बात करेंगे, एंड ऑफ कोर्स आज जो मैच श्रीलंका साउथ अफ्रीका खेला जाएगा, वी विल ऑल टॉक अबाउट मैचेस के लिए दोनों टीम्स में, विद साउथ अफ्रीका रियली लीडिंग विद हेड टू हेड में वो लीड कर रहे हैं, सो कैन दे डू इट दिस टाइम अराउंड, और छोटी टीमें क्या बड़ी टीमों को धचका देंगी या नहीं जैसे याया कह रहे हैं, क्या उस बात को कोई हमारे एनालिस्ट चैलेंज करेंगे, विल फाइंड आउट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज साउथ अफ्रीका एंड श्रीलंका होंगे हेड टू हेड इन द T20 वर्ल्ड कप, एंड आई थिंक ये तो हैवी वेट्स हैं और मज़ा आएगा इन दोनों टीम्स को देखने में, और लेट्स सी कौन सी टीम अच्छे नोट पे शुरू करती है। सो 7:30 PM ये मैच शुरू होगा और खेला जाएगा न्यूयॉर्क में। सो इमरान नज़ीर भी हमारे साथ मौजूद है, अहमद शहजाद भी, सो लेट्स जस्ट गो टू इमरान फर्स्ट। और इमरान, आई थिंक साउथ अफ्रीका के पास कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, एक तो अच्छी बात है कि क्विंटन डिकॉक ने थोड़ी फुकने ली है, फिर उनके पास हिटर्स हैं बीच में, यू हैव समवन लाइक डेविड मिलर, क्लासन है जिन्होंने बड़ी अच्छी एक यू नो जो लीग हो रही है उसमें ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है, तो पॉजिटिव्स तो हैं साउथ अफ्रीका के पास। सो व्हाट डू यू सी साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका? जी जी बिल्कुल, अगर दोनों टीमों में कंपेयर किया जाए तो मेरा ख्याल है नो डाउट इस टाइम पे साउथ अफ्रीका जो है वो बड़ी एक पॉजिटिव और गुड बैलेंस टीम कह सकते हैं आप, और नो डाउट श्रीलंका भी बुरी टीम नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली के अगर साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप देखी जाए तो मेरे ख्याल में तो वो बेटर श्रीलंका से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अगर स्पिनिंग की बात की जाए तो आई थिंक मेरे ख्याल में श्रीलंका की बॉलिंग टफ टाइम दे सकती है उनको। लेट्स सी के अमेरिका मैच है और डेफिनेटली अमेरिका की पिचेज आपके सामने है कि जिस तरह कल मैच हुआ है और उस पर 190 प्लस रन हुए हैं, तो आई होप के यहाँ पे भी दोनों में भी कह सकते हैं कि आप एक बड़ा टारगेट, तो अगर पहले बैटिंग करती है साउथ अफ्रीका तो एक बड़ा टारगेट श्रीलंका को चेस के लिए दे सकती है।
एंड यू नो अहमद, आप किस रेट करें दोनों टीम्स के स्पिनर्स को? आई मीन स्पीकिंग ऑफ साउथ अफ्रीका, महराज हैं, शमसी हैं, बड़े रिलायबल स्पिनर्स हैं उनके पास। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो देखिए साउथ अफ्रीका की टीम की जो फतुहात है ओवर द ईयर्स वो मैसिव है, और अगर आप उनके की प्लेयर्स उठा के देखेंगे, क्विंटन डिकॉक है, माकरम है, तीसरा आपने बोला नौचे है, रबादा है, शमसी है, उसके बाद महराज है, ये लोग बड़े स्टेब्लिश प्लेयर हैं और एक्सपीरियंस प्लेयर हो गए हैं। आई एम श्योर कि जब भी अभी महराज हमारे साथ बीपीएल में भी था तो काफी उसके साथ गुफ्तगू लगी, यार क्या होता है सेमीफाइनल में, आप लोग, वो खुद भी इस पर बहुत डिसअपॉइंटेड है और वो अवेयर है इन चीजों से कि जो दुनिया में बातें हो रही हैं, लेकिन वो बहुत हेलबेंट है टू प्रूव एवरीबडी रॉन्ग। वो बहुत शिद्दत से चाहते हैं कि वो एक कप उठाएं और ये जो मिथ बनी हुई है उसको ब्रेक करें, तो उनपे बहुत बातचीत, बहुत प्लानिंग उन्होंने की है। लेट्स सी कि इस दफा वो यू नो किस प्लानिंग के साथ, स्पेशली जो प्रेशर गेम्स है उसमें उतरते हैं, जो नॉकआउट स्टेजेस होंगी। एट द सेम टाइम आप रूल आउट नहीं कर सकते श्रीलंका को, अगर हमने भी देखा है कि पीछे भी हम देखें एशिया कप में उन्होंने इंडिया को भी मारा और उसके बाद पाकिस्तान को भी फाइनल में हराया। उनके पास भी इस तरह के की प्लेयर्स हैं कि अगर ऑन द गिवन डे वो परफॉर्म करते हैं चार पांच प्लेयर एक एक मैच के अंदर, तो वो किसी भी टीम को टफ टाइम दे सकते हैं और उनकी परफॉर्मेंसेस ने प्रूव किया है। अशरंगा उनके एक की प्लेयर हैं जो कि पूरी दुनिया में लीग्स खेल रहे हैं, पूरी दुनिया में एस्टेब्लिश हैं, बैटिंग भी अच्छी करते हैं, कॉन्फिडेंट क्रिकेटर हैं, बॉलिंग भी बड़ी जबरदस्त करते हैं। एट द सेम टाइम मेंडिस है, मेंडिस भी उनके बड़े यूटिलिटी प्लेयर हैं, कुशाल हैं, तो ये लोग ऐसे प्लेयर हैं कि ये इनकी जो स्ट्रेंथ है ये एज ए टीम खेलते हैं, ये आपको एज ए टीम घेरने की कोशिश करते हैं। तो अपनी अपनी कुछ लोग होते हैं इंडिविजुअल, जिस तरह वेस्ट इंडीज की बात करेंगे तो वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे खेलती है, वो उनकी स्ट्रेंथ है। यहाँ पे इनकी जो स्ट्रेंथ है, इनको पता है कि इनके पास इतने बड़े बड़े नाम नहीं है, तो इनको एक टीम बन के खेलना पड़ता है जो ये बड़े अच्छे तरीके से करती है, और जब ये लोग क्लिक करते हैं तो किसी भी बड़ी से बड़ी टीम को घेर लेते हैं। तो लेट्स सी, मुकाबला मजेदार होगा आज, काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी सारे साथ। एब्सोल्युटली, एंड मैं हेंड्रिक्स की बात को भी भूल गई, सच अ गुड पॉजिटिव फॉर साउथ अफ्रीका। एंड सिको, आई थिंक द ओनली प्रॉब्लम फॉर श्रीलंका इज देयर बैटिंग। तो बॉलिंग उनकी स्ट्रेंथ है, बट आई जस्ट फील दे डोंट क्लिक समवेयर इन द बैटिंग। मतलब उनका फॉर्मूला आई थिंक हमारी तरह कहीं ना कहीं उनको ट्रबल करता है। हमारे की तरह क्या है? खैर, एनीवे, मुझे साउथ अफ्रीका की टीम ज़्यादा पसंद है ऑन द पेपर, मगर अभी जो शहजाद ने बात की है कि हमेशा वो सेमीफाइनल में रह जाते हैं और उसने बात भी की, उनको भी इस बात का एहसास है जिस तरह इसने बताया शहजाद ने, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और मैं देख उनके भी प्लेयर्स देखता हूँ, इंडिविजुअल ब्रिलियंस वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त है। आज का जो मैच का सबसे ज़्यादा जो मेरे इंटरेस्ट है वो क्या होगा, वो ये है कि न्यूयॉर्क में मैच हो रहा है जहाँ पे हमने इंडिया और पाकिस्तान ने खेलना है, तो वी हैव टू हैव अ लुक एट द पिच कि पिच क्या बिहेव करेगी, किस तरह नज़र आती है, क्या होती है बैटिंग, बल्ले पे गेंद बल्ले पे आता है, स्पिनर्स वहाँ पे तंग कर रहे हैं, फास्ट बॉलर्स कर रहे हैं, तो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैं बैठ के वही देखना है कि इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए इस पिच पे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। और जैसे मैंने कहा अभी तक तीन मैच हुए, तीनों टीमों ने टॉस जीत के हुए पहले फील्डिंग की है, लेट्स सी। मैं जो एक बात करना चाहता था ब्रेक जाने से पहले कि मैं फुल मार्क्स देता हूँ ओमान को। ओमान ने जो आखिरी गेंद के ऊपर जो उनका स्टम्प छूटा, वो स्टम्प तो नहीं था, बाय हुआ और वो दो दफ़ा रन आउट होते हुए बचा, दैट वॉज इज देयर बैड लक, अदरवाइज नामीबिया हार गया था। नहीं नहीं बिल्कुल, और बहुत ही जबरदस्त है। और मुझे अच्छा। खुशी है कि क्रिकेट के डिसिप्लिन की बात हो रही है, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि क्रिकेट के अंदर डिसिप्लिन होने जो क्रिकेट के हैं उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। एनीवे, यू नो भट्टी साहब, आई जस्ट वांट टू टॉक टू यू, मगर ऑफ टॉपिक, जल्दी छोटा सा ऑफ टॉपिक सवाल आपसे पूछे, क्या आपने इतने सालों के अपने करियर में सोचा था कि कभी न्यूयॉर्क में हम लोग बात करेंगे कि क्रिकेट मैच हो रहा है पाकिस्तान वर्सेज इंडिया, ये आपने प्रेडिक्शंस की थी कभी? नहीं, फातिमा, कभी भी नहीं। हम तो न्यूयॉर्क को किसी और हवाले से जानते थे। और रियली वांट टू नो कौन सा हवाला? नहीं, अब वो डिफरेंट, जैसा 9/11 भी न्यूयॉर्क में हुआ था ना, तो जब न्यूयॉर्क में जाना भी हुआ तो कभी ये नहीं सोचा कि क्रिकेट होगी। हालांकि ह्यूस्टन में जब मैं गया तो ह्यूस्टन में तो अच्छा खासा ग्राउंड जो था वो उन्होंने डेवलप कर लिया, मियामी में अच्छा क्रिकेट ग्राउंड है, दो ग्राउंड बनाए ना ह्यूस्टन में, मैंने सुना है दो ग्रुप्स हैं वहां पर, एक ने दो बनाए, तो अच्छा, एक ही शहर में। ये वाकई एक बड़ी अनयूजुअल सी चीज है कि अब न्यूयॉर्क जो है वो इस T20 वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मैच को होस्ट कर रहा है। लेकिन फातिमा, इस आज के मैच के हवाले से कि साउथ अफ्रीका अभी वेस्ट इंडीज से 3-0 हारा T20 सीरीज, उसने पाकिस्तान की जगह ले ली, पाकिस्तान 7 पे था, साउथ अफ्रीका 7 पे चला गया, पाकिस्तान
छठे नंबर पर आ गया, लेकिन साउथ अफ्रीका ऑन पेपर बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, जबरदस्त प्लेयर्स हैं, लेकिन वो जो चौकर्स का टैग लगा हुआ ना 99 से, आप देखें पिछला जो वर्ल्ड कप था लास्ट ईयर अक्टूबर नवंबर में, अच्छा खेलते खेलते फिर एक जगह चौक कर गए, तो वो आई होप के इस बार जिस तरह अभी अहमद शहजाद कह रहे थे कि साउथ अफ्रीका शायद उस चीज़ से निकले और कोई ट्रॉफी उठाए, लेकिन अभी तक वो चौकर्स का टैग जो है उनको बहुत मुश्किल डाल रहा है। एंड कैन वी ऐड न्यूजीलैंड टू दैट एज वेल, क्योंकि मुझे लगता है वो साइड बाय साइड दोनों चोक करने लगे हैं। इंटरेस्टिंग बात है, तो हमने अभी तक न्यूजीलैंड की बात नहीं की है। अच्छा भी करें, मतलब ये कि बस ये अपना लास्ट सवाल है याया से पूछेंगे। याया, आई थिंक इवन फॉर श्रीलंका अच्छा रहा उनका 2024, नॉट दैट बैड, यू नो 9 मैचेस में दे वन 6, बट वो लोग जिम्बाब्वे से भी आ रहे, बांग्लादेश से भी आ रहे और अफगानिस्तान से भी आ रहे, सो आई थिंक जाम देखना चाहेंगे फ्लेक्सिबिलिटी इज विद देयर ऑलराउंडर्स लाइक मैथ्यूज, और वो लोग क्या इतना एक्सपीरियंस लेकर आएंगे, सो इंटरेस्टिंग टू सी दैट। देखिए फातिमा, बिल्कुल ठीक कि आज जो पाकिस्तान जिस मैदान पर अपना सबसे बड़ा मैच खेलेगा 9 तारीख को न्यूयॉर्क में, आज उस स्टेडियम का जो है वो फीता कट रहा है साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के मैच के साथ, तो जो इंडिया और पाकिस्तान के लोग होंगे उनकी निगाहें इस बात पर मरकूज़ होंगी कि क्या इंतजामात हैं, कैसी पिच है, शायद ये पिच ना हो जिस पर आज जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका का मैच हो रहा है। जो आप श्रीलंका की बात कर रही हैं, देखें श्रीलंका अपनी कंडीशंस में तो अच्छा खेलेगी, लेकिन अगर आज के मैच की आप मुझसे बात करते हैं तो आज उनका साउथ अफ्रीका के साथ कोई मुकाबला है ही नहीं, और मैं फुल मार्क्स साउथ अफ्रीका को दूंगा। जो सबसे बड़ी तब्दीली साउथ अफ्रीका की क्रिकेट में है वो कप्तान की तब्दीली है, एडम मार्करम को उन्होंने कप्तान बनाया है। शायद 2023 वर्ल्ड कप में भी मार्करम अगर कप्तान होते तो शायद सिचुएशन डिफरेंट होती। रीज़ा हैंड्रिक्स उनके पास ऐसे बैट्समैन है, और अभी किसी ने नाम नहीं लिया हैंड्रिक क्लासन का, जो कि पिछले 12 से ज़्यादा छक्के मारने वालों में 5 बैट्समैनों में शामिल हैं, और आज अगर इंटरनेशनल क्रिकेट की आप बात कर रहे हैं, चाहे वनडे क्रिकेट हो चाहे T20 क्रिकेट हो, इस वक्त दुनिया के सबसे डेंजरस बैट्समैन है। तो आई डोंट थिंक कि आज श्रीलंका की टीम जो है वो करीब करीब भी आएगी साउथ अफ्रीका के, मुझे लग रहा है बिल्कुल वन साइडेड एनकाउंटर होगा, और जनूबी अफ्रीका की टीम एक नए कप्तान के साथ नई सोच के साथ जो है आपको उभरती हुई दिखाई देगी। अच्छा स्टब्स भी हैं क्लासन के साथ, द स्टब्स आल्सो इज रियली गुड, अ गुड पावर हिटर, बट थैंक यू सो मच जेंटलमैन। आप आई थिंक आप लोगों की सबकी बातों से लग रहा है तो साउथ अफ्रीका इज अ हॉट फेवरेट टू विन टुडेज मैच, बट वील सी, इट्स क्रिकेट, हम लोग कुछ नहीं कह सकते, बट ऑन दैट नोट T20 की स्पेशल ट्राई, विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।